What's up everyone? Welcome back to my channel Arjit Verma Live. So guys, आज के वीडियो होने वाले बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मीम्स रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है मीम्स के नाम पे, सीधा वीडियो में बढ़ते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। मैन विल बी मैन, शाहरुख खान। बारिश हो रही है। यू नो, यू माइट थिंक आई एम रूड, पर जहाँ पे आप खड़े हैं आप मेरी आंखें भी नहीं देख सकते। मैं तुमको सच बताऊं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मुझे तुम्हारी आंखें देखने का कोई ओ By the way guys, शाहरुख खान की नई मूवी आ रही पठान, आई एम सो एक्साइटेड। आप बताओ आप में से कौन कौन देखने जाएगा? How do you guys feel? Feeling good? भैया भाई साहब, भैया लड़कों से भी पूछ लो How they are feeling? मुझे तो मैं सुंदर लड़कियों से बात करनी थी। दीदी टर्न करना भूल गई। टर्न करना था। खत्म, बाय बाय, टाटा। पर ये एक बात बताओ, ये ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मुफ्त में बिक रहे हैं क्या? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बोलो क्या करें? आइयो, एक आइडिया, हम लोग भिड़े से शीर्षासन कराते हैं। शीर्षासन? हाँ शीर्षासन। हे, गुड आइडिया। हाय मैं मर जाऊं। और बैक बराबर है भविष्य जी। जेठालाल एक बार के लिए दया भाभी की बात काट सकता है, बट बबीता जी की कभी नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ठीक है, चार लड़के बाहर आए, एक लड़की अंदर गई, और ये क्या चारों? एक्चुअली लड़कों को रियलाइज हुआ कि भाई हम गलत स्टेशन पे उतर गए। ठीक है, इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। मैन विल बी मैन। साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है। अच्छा, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है। मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छी। कोई ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। भाई नहीं 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 नहीं, वो मर जाएगा भाई, वो मर जाएगा। इमेजिन कर सकते हो भाई, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसका शरीर तो देखो भाई। इतना सुकून, मुझे पता नहीं कोई मेट्रो में से कोई सीट देता नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्यार की राह में चलना सी। वापिस बैठेगा क्या? प्यार की सबको मेट्रो में जो जो आ रहे थे सबको कहीं ना कहीं जाना था, पर ये भाई इसको कहीं नहीं जाना था क्या? नहीं। जीन्स और टी शर्ट ले आऊं मैडम? मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी मिस्टर साजन। साड़ी तो, पूछो उससे तो, साड़ी पहनती तो क्या पहनेंगी मैडम? मैं बिकिनी पहनूंगी। तो वो अभी घर में तो नहीं है, मैं बाहर से फटाफट से जाके लेके आता हूँ मैडम। आप मुझे बिकिनी में देखना चाहते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। आपने कहा ना कि मैं बिकनी पहनूं। आपने इतना स्टूपिड सवाल पूछा मिस्टर साजन कि मैं क्या पहनूंगी, एक लड़की क्या पहनती है? कहाँ कुछ पहनती है आजकल। यार उनकी अपनी अपनी चॉइस होती है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हमें देखो वो कपड़े के साथ भी अच्छी लगती है। बहुत तेज हो रहा है। तो मेरे ऑफिस, मेरे जो मेरा स्टूडियो कराची में, वहाँ का वाईफाई पासवर्ड जब कोई पूछता है तो मेरी आदत है कुछ इस तरह रखने की के बता जाए। ठीक है, समझ गया। तो मेरा पासवर्ड था, पहले आई लव यू बोलो। पहले आई लव यू बोलो, वाह, पहले आई लव यू। तो होता क्या था, आगे वाला बंदा वाईफाई जब मांगता था तो मैं बोलती थी पहले आई लव यू बोलो। कितनी
ये और समय सभी बाकी पासवर्ड रखा हुआ है, पहले आई लव यू बोले, पहले आई लव यू बोले, लोग आते होंगे करवाने के लिए पासवर्ड पूछने जाते। अब चेंज हो चुका है, अब क्या है 100 रुपए घंटा, 100 रुपए घंटा। सही में पासवर्ड ही रखे जा रहे हैं ना। आप लोग भी काम करो, मुझे कमेंट में बताओ कि मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड क्या रखूं, और ऐसा पासवर्ड बताना जो किसी ने कभी रखा ना हो। बच्चे ओए, भाई को एडवर्ड मोंटी बोलते हैं। अच्छा, भिंडी के बीज एक हेडशॉट मारूंगा, यहीं पे सारा मोंटी जॉन्टी निकल जाएगा। अगर हमने एक शॉट मारा ना, यहीं पर गुनगुना मुंह दोगे। हैवी हैवी, काफी हैवी। बच्चे ये जो चॉकलेट और ये कार्ड है ना, ये पकड़ पकड़ इन्होंने दीदी को दिखाया था, कर लेगा इतना बच्चा पक्का कुछ ना कुछ करेगा, मुझे लग रहा है। ये उन भैया ने भिजवाया, को दे दिया। मैंने तो मना किया था कि चाची की उम्र की है, अब क्या करें। Never mess with Indian kids. भाई बच्चे ने तो पहले ही समझाया था, पहले ही मान लेते, सुन लेते उसकी। ये मुंबई में देखा मैंने, 19 साल के बच्चे, मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड या टुडे शी इज गोना स्टे विद मी, ओके मॉम, हमारी मां आराम जादे लड़की को घर लाएगा, हट। इतना छुपा छुपा के लाना पड़ता था, पता है। हाँ आ जा रहा, मम्मी निकल गई, आ जा आ रहा, दरवाजा खुला है, कुछ जाइयो। हाँ आ जा, मैं देख रहा हूँ बालकनी, देख रहा हूँ, आ जा चुपचाप। सामने वाली आंटी खोलेंगी दरवाजा, चुप रही हो, चुप रही, चुप चुप, सामने वाली आंटी, अरे आगे मीना आंटी, आगे हट। ऐसे बुलाते थे भाई घर, मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड, ओके शी इज गॉना बी हियर एंड प्लीज क्लोज द डोर, ओके। वैसे टू बी ऑनेस्ट, आजकल के किड्स काफी फ्रैंक है अपने मम्मी पापा के साथ, ये तो चलो अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। मैं तो आज भी अपनी मम्मी से बहुत डरता हूँ भाई, इसी वजह से मेरी कोई बंदी दोस्त भी नहीं है। क्योंकि पता है क्या, अगर मैंने अपनी मम्मी को बताया ना कि मम्मी ये मेरी दोस्त है, तो मेरी मम्मी पता है क्या सोचेगी, दोस्त तो नहीं है, यही है हमारी नूरानी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाईजान मैं आपके लिए गेम लेकर आया हूँ, ओके भाईजान, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपने मुझे सवाल का जवाब देना है, लेकिन उसके एंड में लगाना है आपने दिन में रात में, ठीक है। अगर मैं आपको बर्फ लिटा दूं तो आप क्या हो जाओगे? मैं तो ठंडा हो जाऊंगा दिन में। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, अगर मैं आपको तपती हुई धूप में फर्श पर लिटा दूं तो आप क्या हो जाओगे? तो मैं तो गर्म ही हो जाऊंगा रात में। गर्म ही हो जाओगे रात में, दिन में ठंडे हो जाओगे, रात को गर्म हो जाओगे। क्लाइमेट सभी बाकी। आप कैसी बात ही कर रहे हो दिन में, लोग गलत समझेंगे रात में। पहले मेरी वीडियो एंजॉय करो दिन में, और फिर सब्सक्राइब करो रात में। बिल्कुल भी टाइम नहीं बैठा गाइस, नहीं नहीं, उसी टाइम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सेवन लेकिन अंजलि जी, या मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या क्या बताइए सर, मैं आपको समझा सकूं? यही कि हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ करते हैं, ये व्रत, ये उपवास, तो हमारे हस्बैंड को भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्यों मिस्टर जेठालाल, बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए। बबीता जी के कहने पर। लेकिन एक हस्बैंड से क्या होगा, तो आपको कितने हस्बैंड चाहिए? ओल्ड तारक मेहता के एपिसोड ना यार, सच्ची जेम्स है। कौन लिखता था यार, स्क्रिप्टिंग कौन करता होगा इसकी, मैं आज भी सोचता हूँ, मैं सच्ची उसको ना मिलके छप्पी पाना चाहता हूँ एक बार। सुनाएगा क्या? गर्ल्स इन हॉस्टल। क्या हो गया? गर्ल्स ने तो कुछ किया ही नहीं इस हिसाब से, बॉयज ही लाइफ जी रहे हैं हॉस्टल की। तो आप बताओ गाइस कमेंट बॉक्स में, किसकी हॉस्टल लाइफ ज्यादा बढ़िया थी, गर्ल्स की या बॉयज की? तो चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो का लाइक एम है 7K, तो आई होप आप करवा दोगे, करवाई दो यार, 7K लाइक से छोटा सा टारगेट आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।